हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज हम बात करेंगे शिशु के कमरे में एसी चलाने से पहले आपको कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जब मौसम में बदलाव होता है तो सबसे ज़्यादा जो किसी को परेशानी होती है वो है छोटे बच्चे। ठंडी से गर्मी और गर्मी से ठंडी होने पर सबसे ज़्यादा मुसीबत नवजात शिशुओं को ही होती है, क्योंकि इससे उनके सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं जिनका अपने शिशु के कमरे में एसी चलाते वक्त आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब कभी भी आप आपके बच्चे के कमरे में एसी चलाएं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा तो हो सकता है आपके बच्चे को ठंड की वजह से कपकपी हो और इससे आपके बच्चे को जान का भी खतरा हो सकता है। जब भी आप शिशु को एसी के कमरे में रखें तो तुरंत शिशु को कमरे से बाहर निकालकर बाहर खुले में या किसी गर्म कमरे में ना ले जाए। इससे उन्हें ठंडी गर्मी हो सकती है और वो बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि जब आप शिशु को बाहर ले जाना चाहें तो कमरे का एसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ताकि वो धीरे धीरे बाहर के तापमान के हिसाब से खुद को ढाल सके। हमेशा याद रखें कि शिशु के कमरे का एसी चलाने से पहले शिशु को या तो गर्म कपड़े या तो पूरे कपड़े पहना दें। इसके अलावा आप उन्हें चादर भी ओढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ शिशु के सर को टोपी या किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। हमेशा याद रखें कि एसी चलाने से पहले आप ध्यान रखें कि कहीं आपके शिशु को सर्दी जुकाम तो नहीं है, और साथ ही साथ एसी के तापमान का भी ख्याल रखें ताकि आपका शिशु बीमार ना हो, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है और ऐसे में अगर तापमान में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो आपका शिशु बीमार हो सकता है या उसे इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। हमेशा याद रखें कि एसी में टाइमर ज़रूर लगा दें ताकि कमरा ठंडा होने के बाद आपका एसी अपने आप बंद हो जाए। अगर आपका एसी टाइमर वाला नहीं है तो एक नियमित वक्त के बाद एसी बंद करना ना भूलें। न्यूबॉर्न बच्चों के लिए एसी का उपयोग करना बुरा नहीं है, परंतु अगर आप आपके शिशु को एसी वाले कमरे में रख रही हैं तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए।